कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग पिकअप वैन में कुछ विस्फोटक लेकर के गिरनी से होकर के गुजरने वाले हैं। इस सूचना पर गिरनी के विभिन्न पॉइंटों पे चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के दौरान बिराटी चौक से जब एक गाड़ी जा रही थी उसको रुकने का इशारा किया गया। वो गाड़ी स्लो करने के बाद फिर वो आगे की ओर भाग गया, जिसमें वहाँ वो जो ड्यूटी पे तैनात हमारे पुलिस पदाधिकारी थे उन्होंने उस गाड़ी का पीछा करते हुए सरिया रेलवे फाटक के पास उस गाड़ी को बरामद किया। इसमें दो आदमी सवार थे, एक मोहम्मद सुल्तान और दूसरा एक कलीम नाम का व्यक्ति था। इसमें एक व्यक्ति भागने में सफल रहा और दूसरा जो गाड़ी चला रहा था मोहम्मद सुल्तान वो पकड़ा गया है। उसकी गाड़ी के ऊपर जब गाड़ी को लाया गया, चेक किया गया, तो ऊपर में सब्जी मैंने पपीता, कच्चा पपीता बोरा में लोड किया गया था और उसके नीचे जिलेटिन भारी मात्रा में बोरे में बंद करके छुपाया गया था। जब उसे गहराई से पूछताछ किया गया और गाड़ी को चेक किया गया तो पता चला कि उस गाड़ी पे 50 बोरा अर्थात 20,000 जिलेटिन उस गाड़ी पे लोड था, जिसे राज धनवार की ओर से धनबाद की ओर ले जाया जा रहा था। और इस पर सभी जिलेटिन और एक व्यक्ति जो पकड़ा गया उसको गिरफ्तार किया गया और सभी जिलेटिन को जब्त कर थाना में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि यह जिलेटिन इतनी भारी मात्रा में कहां से लाया था और किस पर्पज़ से ले जाया जा रहा है। अभी इसका हम लोग गहराई से